नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। हज़रत सैयद मोहम्मद शाह कादरी की मज़ार को दूसरी जगह आज मुंतकल कर दिया गया। हुबली धाड़वार कौमी शाहरा नंबर 4 पर मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद शाह कादरी की बारगाह मौजूद थी, यानी दरगाह मौजूद थी, जहां पर एक मस्जिद भी तामीर की गई थी। BRTS मंसूबे के तहत हुबली और धारवाड़ के दरमियान 2015 और 16 में एयर कंडीशन बस शिगरी बस सर्विस का आगाज किया गया था। जब से लेकर अब तक सड़क की एक जानिब मौजूदा दरगाह को लेकर कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही थी। माह रवा के 16 तारीख को फैसला आता है कि अगर सड़क के दरमियान दरगाह आ रही है तो दरगाह के जिम्मेदारों से गुफ्तगू करके मसला हल कर ले। ताहम धारवाड़ जिले कमिश्नर और BRTS के जिम्मेदारान फौरी तौर पर दरगाह और दरगाह के अहाते में मौजूद मस्जिद को मसमार कर दिया, यानी ढा दिया। शहर हुबली के मुस्लिम लीडरान का एक वफद इस मौके पर पहुँच कर कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते रहे, उसके बावजूद DC के हुक्म से कार्रवाई चलती रही। मकामी लीडरों का कहना है कि जितनी भी मस्जिद की जगह लेना था, इससे भी ज्यादा मस्जिद को शहीद किया गया है और हजरत सैयद मोहम्मद शाह कादरी की मज़ार मुबारक और इनके दो खादिमों के मज़ारों को भी दूसरी जगह मुंतकल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के तहत मुंतकली का काम शुरू कर दिया गया था। 2 माह कबल फैसला महफूज कर लिया गया था और 4 रोज कबल मंजर आम पर लाया गया था, और वो भी ऐसे वक्त पर जबकि 17 दिसंबर तक 2 जनवरी कोर्ट को छुट्टियां हैं। ऐसे में हम वहां के जिम्मेदारों का कहना है कि हमारे लिए तमाम कानूनी दरवाजे बंद करके इस काम को अंजाम दिया गया, जबकि ये केस 12 साल से कोर्ट में है, तो किसी लीडर ने क्यों नहीं मदाखलत की और 4 रोज कबल फैसला सुनाया गया तो इस पर फौरी कार्रवाई करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? जबकि इसी रोड पर मौजूदा साई नगर क्रॉस पर शिव मंदिर भी है, जिसको BRTS ने मंसूबे के तहत रोड के दरमियान महफूज रखा है, जिसके दोनों जानिब सड़क तामीर की गई है और एक मस्जिद फ्लाईओवर भी बनाया गया है। ऐसे में क्यों कोई लीडर ने कोर्ट या BRTS के चेयरमैन के सामने इस बात को रखना ज़रूरी नहीं समझा? नाज़रीन, इस मौके पर हजरत सैयद मोहम्मद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को आज दरगाह के जिम्मेदारान और उलमाए कराम अहले सुन्नत ने मज़ार मुबारक से अल्लाह के वली को मज़ार से निकालते वक्त दरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए दरगाह के अहाते में दूसरी जगह मुंतकल किया गया। इस मंजर को आप हमारे चैनल लीडर सियासत के जरिए देख सकते हैं। आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना खुदा की राह का। जमीन मैली नहीं होती, गगन मैला नहीं होता, विलायत जिसके अंदर है वो मन मैला नहीं होता, लिबास हुस्न अंदाज कहन मैला नहीं होता, कि आगोश लहद में भी बदन मैला नहीं होता, रसूल अल्लाह के आशक का कफन मैला नहीं होता, नहीं जोर खिजा चलता खुदा वालों के गुलशन पर, कभी बिजली नहीं गिरती फ़कीरों के नशेमन पर, अदावत के अवैज एहसान करते हैं दुश्मन पर, जमाना लाख भी कीचड़ उछाले उनके दामन पर, तो फिर भी सैयदों का पैरहन मैला नहीं होता, तो फिर भी सैयदों का पैरहन मैला नहीं होता। हुसैनी सिलसिले वाले हैं, आले हसन हैं हम, हमारे पास तैगे अली लाले यमन हैं हम, नबी जादों पे मरते हैं विखारे अंजुमन हैं हम, हमारे दिल से नक्श पंजतन मैला नहीं होता। मदीना बारगाह अर्श का नूरानी जीना है, तुझे ऐ सरफराज इस शहर में मरना है जीना है, नबी के नूर से मामूर व खाके मदीना है, उधर की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता। बड़े अफसोस का मौका है और वक्त से गुजर रहे हैं हम लोग कि ये जो हुबली में शायद हमारे शुमाली कर्नाटक में पहली मर्तबा ये दर्दनाक वाक़ा गुजरा है,
दोबारा मैं ये कह रहा हूं कि बड़े अफसोस और दुख की बात है, मस्जिद और हज़रत महमूद शाह कादरी दरगाह बहरी देव और कब जो हुबली के और धारवाड़ के दरमियान में सौ साल से ये दरगाह थी, ये BRTS के लोग यानी रोड जो बनाया गया उस टाइम पर भी हम लोग बहुत ही उनके साथ और उस ज़माने की सरकार के साथ बात करते हुए तकरीबन 8 साल से ये दरगाह शरीफ को और मस्जिद हाजा को बचा लेते आए, और आखिर में 2 साल पहले बहुत ही ज़ोर लगाने के बाद उन्होंने नोटिस पर नोटिस देने के बाद हाई कोर्ट में पिटीशन डाले जमात की जानिब से, जो वक्फ में रजिस्टर शुदा ये हमारे दीने और मज़हबी दरगाह और मस्जिद थे, और रिश्ते भी मिला उस वक्त हमें। 2 साल के बाद हेयरिंग हुआ, और जहाँ तक मैं भी उस वक्त हाई कोर्ट में था, मौजूद था, बहुत अच्छा आर्गुमेंट किए थे वकील, एक तजवीज़ भी उन्होंने पेश की थी कि भाई ये जो रोड बना है 20-22 किलोमीटर, एक जगह 25 फुट चौड़ा है, एक जगह 30 फुट चौड़ा है, एक जगह 27 फुट चौड़ा है, और ये दरगाह शरीफ के दरमियान में 47 फुट की चौड़ाई थी। उन्होंने एफिडेविट भी डाल कर दिए कि भाई आप रिसर्वे कराइए, कमीशन अपॉइंट कीजिए, लेकिन आखिरी 2 महीने तक कोर्ट में फैसला यानी जजमेंट देने का छोड़कर आखिरी दिन उन्होंने ये फैसला सुनाया। आखिर चूक कहाँ हुई जिसकी वजह से ये जो हादसा हो गया हमारे साथ? चूक तो कहीं भी नहीं हुई मेरे ख्याल से, जो हकीकत है आपके सामने पेश किया हूँ। लेकिन ये सरकार आने के बाद तकरीबन 5 साल में बहुत ही ज़ोर लगाए कि निकालना चाहे, नोटिस के ऊपर देने लगे, तो इसलिए हमें कोर्ट में इसका पिटीशन फाइल करके स्टे लिए थे, स्टे भी मिला था। लेकिन फैसला उन्होंने निकालो करके नहीं बोला कोर्ट वाले, हमारी पिटीशन को यानी जमात की पिटीशन को डिसमिस किए, खारिज कर दिए, इतना ही। लेकिन ये लोग BRTC कहिए, ज़िला कलेक्टर कहिए यानी डिप्टी कमिश्नर कहिए, उन्होंने अपील को जाने का वक्त भी नहीं दिया। हम लोग वफदी शक्ल में जाके उनसे गुजारिश की, और एक दिन 2 दिन पहले अभी यहाँ पर हमारे बेलगाम में सेशन चल रहा है असेंबली में, स्वर्ण सौदा में, श्रीमान सिद्धरमैया साहब को मिलकर चीफ मिनिस्टर को उनके ज़रिए से फ़ोन कराए, ज़िला अफसरान को फ़ोन कराए, वही बातें पुरानी बातें ही कहने लगे, हमारा नहीं उनका है, इनका है करके ऐसा कहने लगे। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी हमारे साथ, सिद्धरमैया साहब उनको अपने तौर पर बहुत ही गुजारिश करके बोले, और अपने एक दबदबे से भी बोले ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप बोलकर, उनको अपील को जाने के मौका दे करके यहाँ तक बोले, तब भी हमारी उनकी बात को उन्होंने इज्जत नहीं दी। मान सिद्धरमैया साहब भी थे अपोजिशन लीडर, मुखामी MLA प्रसाद अब्बैया जी भी थे, और यहाँ के MLC श्रीमान अली जनाब सलीम अहमद साहब भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी हमारा साथ दिया, और ये बहस जो है दूसरे दिन असेंबली चलने की वजह से, असेंबली में भी सिद्धरमैया साहब कहिए, प्रसाद अब्बैया साहब कहिए, UT खादर साहब कहिए, साबिक मिनिस्टर, उन्होंने बहस की, सरकार को लुथाड़ा। लेकिन उनका ये है कि भाई ये BJP जहाँ भी है अब जो चल रहा दौर हमारे मुल्क में, वो फिरखावाराना जमात है, और ख़ास करके मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, हमारे मसाजिद कहिए, दरगाह कहिए, हमारे वजीद का कहिए, हमारे खाने पीने का कहिए, हमारे पहनने ओढ़ने पर, मिसाल के तौर पर हिजाब का मामला क्या ज़रूरी है, ऐसे कुछ मसाइल लेकर आकर के लोगों में तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा, बुज़ुर्गों से गुजारिश करूँगा, अब जो हमारी जगह काफ़ी है वहाँ पर इंशाल्लाह मस्जिद भी बनाएंगे, दरगाह भी बनाएंगे,
आप जो साथ दिए, मैं दिल के गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि इसी दौरान में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक वक्फ बोर्ड वालों ने इसी 28 तारीख को इलेक्शन रखे थे। कल की तारीख को 22 तारीख को आखिरी दिन था नॉमिनेशन फाइल करने का। हम मैं फैसला लिए कि हमारे दोस्तों से, बुज़ुर्गों से करके हम लोग जा करके हमारे बुज़ुर्ग हजरत सैयद ताजुद्दीन साहिब क़िबला से, क्योंकि मेरे घर के रूबरू रहते हैं वो, उनसे गुजारिश करिए कि आप सबको जो जो इलेक्शन में ठहरना चाहते हैं, दो चार ग्रुप सर्च होते हैं तो उनको भी बुला करके उन्होंने ये बात कही कि भाई आप इलेक्शन में मत जाइए, कोई ग्रुप नहीं ठहरेगा वो। तो उनकी बात की कदर करते हुए, इज्जत करते हुए ये हमारे सब साथी ये जो ग्रुप बनाने वाले थे, उन्होंने भी उनकी बात सुनी, हम लोगों की भी बात सुनी, और इलेक्शन में जो नॉमिनेशन, एक ग्रुप भी एक नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, उनका भी मैं इस वक्त शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्शन होते हैं जाते हैं, वो कब तो ठीक है, जमहूरियत का एक आखिरी मरहला है, लेकिन हालात को मद्देनज़र रखते हुए अफसोसनाक दौर से गुजर रहे हैं और कोई खुशी का मौका नहीं है। कौन क्या बोलेंगे भाई, अगर हम इलेक्शन गए तो क्या ही है, ऐसे मौके पर इलेक्शन को जाना क्या है, इलेक्शन करना क्या, ऐसी सब बातें आती थी। लेकिन जो सब लोग इलेक्शन में ठहरने वाले लोग, उन्होंने अच्छा फैसला किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि एक बहुत ही नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं और हमारे पास बच्चों का मामला भी है, 158 बच्चे आज 8 महीने से जेल में पड़े हैं, उनको भी छुड़ाने की हम लोग दयानतदारान तौर पर हम सब मिल करके कोशिश करेंगे।